लेट्स डू मोर सम मोर एंट्रीज हम अभी कर रहे थे सेल्स की है ना सेल्स जिसमें हमने जीएसटी विदाउट जीएसटी कैश क्रेडिट सब देख लिया अब हम देख रहे हैं सेल्स रिटर्न सिंपल उसका उल्टा सेल्स क्या किया था हमने याद है सेल्स को हमने क्रेडिट किया था यहाँ पे डेट का कॉलम पर्टिकुलर एल एफ डेबिट क्रेडिट सो हियर डेट पर्टिकुलर्स एल एफ डेबिट क्रेडिट ना क्या करना है सेल्स हमारा क्रेडिट हुआ था सेल्स रिटर्न ऑब्वियस डेबिट होगा क्योंकि अब हमारी इनकम कम हो रही है अब सेल्स रिटर्न सामने वाले ने आपको रिटर्न कर दिया है माल तो आप क्या करोगे सिंपल है उसके नाम पर ही चढ़ाओगे कि ही इज द गिवर एंड आई एम रिसीविंग इट एज अ सेल्स रिटर्न सो विल राइट अट एस सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अगर आप कैश सेल किया हो तो क्रेडिट सेल किया हो तो जो भी मिस्टर वाई है तो मिस्टर वाई सिंपल है नो डिफिकल्टी एट ऑल नरेशन लिखना नहीं भूलना है बींग सेल्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर एक्स और और ऑन द कैश अगर इसी को हम कहते हैं जीएसटी के साथ ये तो विदाउट जीएसटी था दिस वाज़ विदाउट आउट जी एस टी ठीक है अब हम कर रहे हैं विद जी एस टी विद जी एस टी कैसे करेंगे ठीक आउटपुट सी जी एस टी आउटपुट एस जी एस टी हमारा क्रेडिट हुआ था है ना अब ये डेबिट होगा सिंपलाइज दैट सो यहां पे सेल्स उल्टा कर रहे हैं ना सब चीजें जब रिटर्न होता है तो उल्टी हो जाती है चीजें जो हमने दी थी उसको हम रिवर्स कर रहे हैं सो इसीलिए आउटपुट सीजीएसटी, एस आउटपुट एसजीएसटी जो हमने कलेक्ट किया था टू गिव अब हम वो वापस कर रहे हैं तो so, इसीलिए वो क्रॉस हो जाएगा दैट इज वाई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट यहां पे आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट आउटपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट नाउ ये आपको समझना पड़ेगा ये वाला पार्ट अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी इंट्रा की जगह इंटर है तो आउटपुट आई जीएसटी अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा टू कैश नॉर्मली कैश में नहीं होता है रिटर्न जो भी क्रेडिट वाला पार्ट होता है वही वाला रिटर्न होता है ज़्यादातर ठीक है ये अमाउंट आए तीनों के और इसका अमाउंट इसकी ही सीध में है इसी के स्ट्रेट लाइन में सो दिस वाज योर सेल्स रिटर्न विद जीएसटी विद जीएसटी में इंटर सेट है या विंट्रा है डिपेंड करता है इंट्रा है तो आउटपुट सी जीएसटी एस टी जी इंटर है तो आउटपुट आई जी सिर्फ एक ही पार्ट आएगा कैश या मिस्टर वाह डिपेंड करता है कैश सेल थी या फिर क्रेडिट सेल थी अब आ जाता है डिस्काउंट ये बहुत बढ़िया है समझना समझो आपको डिस्काउंट मिल रहा है मान लो सेल्स चल रही है तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है डिस्काउंट का मतलब क्या होता है दैट यू आर गोइंग टू पे लेस देन द अमाउंट रिटर्न द लेस देन द अमाउंट रिटर्न ऑन द प्रोडक्ट या फिर एम से कम जो भी आप पे कर रहे हो वो डिस्काउंट है डिस्काउंट में दो तरह के डिस्काउंट होते हैं एक होता है ट्रेड ये होता है वॉल्यूम पे वॉल्यूम मतलब यानी कि टोटल सेल अमाउंट पे ठीक है मतलब मान लो अगर मैंने बारह हजार रुपये का माल खरीदा उसके ऊपर एट टेन परसेंट टी डी ट्रेड डिस्काउंट तो जो आप एंट्री लिखोगे परचेज के अंदर वो डायरेक्टली टेन परसेंट माइनस करके लिखोगे डायरेक्टली एंट्री होगी इस अमाउंट की परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश सिंपल एज एजर कैश या मिस्टर एक्स भी आप उसमें दिखाओगे भी नहीं ये सबको मिलने वाला डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलने वाला डिस्काउंट है जनरल डिस्काउंट है इसीलिए आप इसको एंट्री में दिखाते भी नहीं है डायरेक्टली अमाउंट में लिख देते हैं लेकिन अगर कैश डिस्काउंट है कैश ओनली ऑन कैश रिसीव्ड और पेड जितना कैश रिसीव या पेड होगा उतने पे ही डिस्काउंट मिलेगा दिस डिस्काउंट इज मेनली फॉर गिविंग कैश मान लो ट्वेल्व थाउजेंड का आपने माल खरीदा उसमें से 6,000 हज़ार आप नहीं दे रहे हो आप सिर्फ सिक्स थाउजेंड ही पे कर रहे हो तो इसी के ऊपर आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा सिक्स हंड्रेड मिलेगा आपको मिला आपको पे करने है फिफ्टी फोर हंड्रेड ये तो बाकी रहेगा छः के छः सिंपल है तो जो भी आप कैश पेमेंट दे रहे हो उसी के ऊपर ही डिस्काउंट मिलेगा आप डिस्काउंट टी डी डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट हम लिखते ही नहीं है जर्नल में सिंपल है ये लिखते ही नहीं है जर्नल में ये लिखते हैं कैसे लिखते हैं सी अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो सिंपल परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो दोनों में से कोई भी अगर मैं परचेज मान रही हूँ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर मिस्टर एक्स जो भी है कैश या मिस्टर एक्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या मिस्टर एक्स सिंपल आप अमाउंट कम कर दोगे यहां पे यहां पे अमाउंट लेस टीडी लिख दोगे ट्रेड डिस्काउंट सिंपल एज दैट यहाँ पे माइनस कर दोगे अमाउंट यहाँ पे भी माइनस कर दोगे अमाउंट उसको दिखाओगे नहीं ठीक है यू विल नॉट शो इन द एंट्री दिस इज ट्रेड डिस्काउंट ये ट्रेड डिस्काउंट है लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कैश डिस्काउंट की कि यहाँ पे तो हम उसको दिखाएंगे अब कैसे दिखाएंगे सी यहाँ पे अगर हमें कैश हम पेमेंट दे रहे हैं या फिर पेमेंट ले रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट कैश जहाँ पे भी लिखोगे उसके साथ ही डिस्काउंट आएगा क्यों आएगा वो बताती हूँ जैसे मान लो आपने परचेज किया यहाँ पे बारह हजार का आप पेमेंट कर रहे हो पूरे के पूरे बारह हज़ार विद टेन परसेंट डिस्काउंट तो कैश में जाएगा टेन थाउजेंड एट हंड्रेड डिस्काउंट में जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया ये अच्छा आप खुद सोचो डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो आपको गेन है गेन क्या होते हैं क्रेडिट में सिंपल आती है क्रेडिट में जाएगा अलाउ कर रहे हो किसी और को डिस्काउंट आप दे रहे हो तो एक तरह से कहा जाए तो एक्सपेंस है लॉस है तो कहां लिखोगे डेबिट में लिखोगे तो सिंपल एज दैट अगर कैश ऊपर आएगा तो कैश डिस्काउंट अलाउड टू टू सेल्स आएगा ठीक है सो दैट विल बी कैश डिस्काउंट रिसीव्ड वहां पे कैश डिस्काउंट अलाउड होगा ये तो नॉर्मल वाला हमारा एंट्री हो गया हमको सिर्फ ये बात समझनी है जितना कैश आप पेमेंट करोगे उतने पे ही डिस्काउंट मिलेगा विद जीएसटी विदाउट जीएसटी हम देखेंगे सम के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि एक सम के अंदर कैसे जीएसटी के साथ भी डिस्काउंट हम कैसे लगाते हैं विल सी दैट इन अ प्रॉपर सम डोंट वरी सम में करेंगे ये चीज़ हम एनी एक्सपेंस कोई भी एक्सपेंस हो अगर आपको किसी भी एक्सपेंस की एंट्री करनी है तो सिंपल हमें पता है एक्सपेंसेज आर ऑलवेज डेबिटेड एक्सपेंस डेबिट होते हैं तो सिंपल जो भी एक्सपेंस है रेंट अकाउंट है वेजेस है कोई भी अकाउंट है एनी एनी एक्सपेंस टू कैश सिंपल है एक्सपेंसेस को हम डेबिट में लिखते हैं टू कैश हम पेमेंट कर रहे हैं कैश से सो so आप नीचे नरेशन लिखना नहीं भूलेंगे किसी भी एंट्री में नरेशन लिखना नहीं भूलेंगे वेदर दिस और दिस ठीक है सो एक्सपेंसेस वाला पार्ट हो गया डिस्काउंट वाले पार्ट को आप कोई बात नहीं अगर नहीं समझ में आया है क्योंकि उसमें सम होना जरूरी है हम सम के साथ जब उसको समझेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे इसके बाद मैं एक बार छोटा सा सम ले लेती हूँ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को कैसे करना है उसके बाद, बा, बा, बाद वाली सारी एंट्री एक एक बार देखेंगे ठीक है